सो हेलो एवरीवन, ये भी जो हमारा क्लास फोर के लिए है सब्जेक्ट है मॉरल साइंस। तो कल हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था टेल्स ऑफ टू बर्ड, तो हम लोग दो तीन वीडियो में हम लोगों ने उसको भी करता कवर ही कर रहे हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था, मैंने टिकव कर दिया था, आज इससे आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए, द किंग लुकड अप एंड सॉ अ ब्यूटिफुल बर्ड सेटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। फिर उस किंग ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया एक पेड़ की डाल पे बैठी हुई। ही वॉज अमेज्ड, ही सेड हिमसेल्फ, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, द बर्ड जस्ट लुक लाइक अदर वॉज इल स्पोकन एंड अदर बर्ड आउटसाइड द केव, आई एम ड्रीमिंग वॉट हैपन टू मी। फिर वो काफी आश्चर्य होता है, फिर अपने आप से पूछता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने इसी तरीके की चिड़िया को मैंने उस गुफा के बाहर देखा था, वो काफी बुरा बर्ताव कर रही थी, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे साथ हुआ क्या है। यू आर नॉट ड्रीमिंग एंड नथिंग हैपन टू यू सर। तो फिर सेड द पोलाइट बर्ड, फिर उस बर्ड ने कहा कि नहीं सर, आप सपना भी नहीं देख रहे हैं और आपके साथ कुछ नहीं हुआ है। यू आर एब्सोल्यूटली राइट, आप एकदम सही हैं। द अदर बर्ड लाइक मी इज माई ब्रदर, जो बर्ड जो मेरे ही जैसा दिख रहा था वो मेरा भाई है। बट ही मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन उसने अपनी मित्रता गुंडों के साथ कर ली। नाउ ही टॉक्स दे डू, और वो जैसा चाहते वो वैसे ही बात करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे भी नहीं बात करता है। जस्ट देन ऋषि इंटर्ड द आश्रम, उसी वक्त जो उस आश्रम के ऋषि थे वो इंटर होते हैं आश्रम में। वेलकम सर, सेड द ऋषि टू द किंग, फिर उस ऋषि ने किंग को बोलता है कि आपका स्वागत है, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, यू लुक टायर्ड, रेस्ट अ व्हाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। फिर ऋषि बोलते हैं कि कृपया करके आप अंदर चलिए मेरे घर में, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, कुछ देर विश्राम कीजिए फिर भोजन करिए। द किंग टोल्ड द स्टोरी ऑफ द बर्ड टू द ऋषि एंड देन एंड हाउ दे बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रू दे लुक्ड सो लाइक। तो उस किंग ने ऋषि को सारी कहानी सुनाई और उसने ये भी बताया कि ये दोनों अलग अलग बिहेव कर रहे हैं जबकि ये दोनों सेम दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, रिमार्क द किंग। तो फिर किंग को पता चल गया कि ये जंगल है जो बहुत तरीके के सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द ऋषि स्माइल एंड सेड, फिर ऋषि मुस्कुराए और कहे कि आफ्टर ऑल वन इज नोन एज द कंपनी हु किप्स। तो फिर ऋषि कहते हैं कि कोई भी जाना जाता है उसकी कंपनी के जैसा, अगर उसकी संगति सही है तो वो अच्छा माना जाएगा, अगर उसकी संगति सही नहीं है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। द अदर बर्ड स्टेड विथ रोबर्स एंड स्पीक लाइक देम, फिर ऋषि ने कहा कि जो एक और चिड़िया थी वो गुंडों के साथ रहने लगी इसलिए वो वैसा बोलना सीख गई। द वन ऑलवेज स्टे इन द होली वेज ऑफ द आश्रम सो वेलकम द पीपल हु केम हियर, लेकिन जो दूसरी बर्ड थी वो एक बहुत ही पवित्र स्थान पे रही, आश्रम में रही और जो भी लोग आते जाते हैं उसका स्वागत करती है। यहाँ पे नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट एंड आई टेल यू अबाउट मोर दिस बर्ड्स, फिर ऋषि कहते हैं कि चलिए आप अंदर चलिए, आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको इन दोनों चिड़ियाओं के बारे में और बातें बताता हूँ। यहाँ पे तो आपका चैप्टर शुरू हो गया है, लेकिन चैप्टर का मेन मोरल ये था कि आप लोग को कभी भी दोस्ती करनी चाहिए ना तो अच्छे लोगों से करनी चाहिए, अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कंपनी के साथ हो तो आपका जो नेचर है वो भी अच्छा रहेगा। अगर आप बुरे कंपनी के साथ, बुरे फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो आपकी जो मीन्स आपका जो स्वभाव है, आपका नेचर वो बुरा ही बनेगा। सो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू।